बांग्लादेश वालों, भारत के खिलाफ खेलना अच्छी बात है, पर भारत के खिलाफ जीतने का सपना देखना अच्छी बात नहीं है। बहन के भाइयों, एक और मैच खत्म, एक और वन साइडेड मैच खत्म। इंडिया ने रोंद दिया है बांग्ला नागिनों को, और दोनों मैचेस में सिखाया है कि पहले बॉलिंग करते वक्त ऐसा और पहले बैटिंग करते वक्त ऐसा खेला जाता है। मतलब पहले 3 विकेट्स जल्दी गिरने के बाद बांग्लादेश वालों को लग रहा था कि आज तो हम ही नागिन नाच करेंगे, पर हमारे मिडिल ऑर्डर ने इनको इनकी औकात दिखा दी। मतलब सही में अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडियाज फ्यूचर इन सेफ हैंड्स। नीतीश कुमार रेड्डी भाई ने क्या जलवा दिखाया है, बंदा अपना दूसरा ही मैच खेल रहा था और क्या ही ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। मतलब मौके का फायदा ऐसे उठाना होता है। संजू भाई, भाई ने मात्र 34 गेंदों में 74 रन बनाए और बॉलिंग में 2 विकेट्स भी लिए। भाई ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली मेडन हाफ सेंचुरी लगाई। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भारत को अब हार्दिक पांड्या 2.0 मिल चुका है। और भाई हमारे रिंकू भाई तो सोच के आए थे कि आज इनकी कच्ची गीली करवाऊंगा। रिंकू भाई ने ताबड़तोड़ 53 रन बनाए और हमारे कुंफू पांडे ने आज फिर ग्राउंड में करके दिखाया, अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, ऐसा बोल रहा हूं मैं। बैटिंग के साथ साथ भाई ने एक स्टनिंग कैच भी पकड़ा जो कि लाजवाब था। 3 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद इंडिया ने 2-2-2 का टारगेट दिया। अब इतना बड़ा टारगेट तो बांग्ला नागिनों के बस के बाहर था, तो इंडिया ने भी 7 बॉलर्स यूज कर लिए और सभी को विकेट्स भी मिले। रियान भाई तो दूसरे पिच से बॉलिंग डाल रहे थे, फिर भी विकेट ले गए। इंडिया ने बड़े आराम से 86 रन से ये मैच जीता और साथ साथ हमारी लड़कियों ने भी वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया। इंडिया का अनबीटन स्ट्रिक अभी भी चल रहा है और इंडिया ने 2-0 से ये सीरीज भी जीत ली है। नीतीश कुमार रेड्डी अपने परफॉर्मेंस के वजह से प्लेयर ऑफ द मैच बने। आपको कैसे लगा भाइयों ये मैच और कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया? नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग, रिंकू सिंह की बैटिंग, हार्दिक पांड्या की बैटिंग या फिर हार्दिक पांड्या का कैच या फिर इंडिया की बॉलिंग, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो को भी लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे करो।